सो हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे को बहुत सारा भाई लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहा था, भाई मेरा गेमिंग यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर मैं फ्री फायर का वीडियो अपलोड करता हूँ, मगर मैं उतनी अच्छे तरीके से एडिटिंग करना नहीं जानता हूँ, तो एक वीडियो बनाकर दो, इस वीडियो से हम लोग सीख पाए किस तरीके से फ्री फायर का वीडियो एडिटिंग करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया, अच्छे तरीके से दिखाया भी किस तरीके से आपको एडिटिंग करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप यहाँ पर से आप कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर ऊपर, वहाँ पर जाकर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इधर काइन मास्टर ओपन कर चुका हूँ, तो सबसे पहले एक नया यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया इसको मैं अपलोड कर दे, सबसे पहले मैं जाऊँगा मीडिया, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर अपलोड कर दिया, आप इधर देख सकते हो। तो इसका जो ग्राफिक्स है ये एक नॉर्मल ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स को आपको चेंज करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपको जाना है कलर एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले ध्यान से वीडियो को देखना। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन, इसको 5 के आसपास में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 5 के आसपास में रखता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये करने बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसके बाद यहाँ पर दो जो ऑप्शन है इसको मैं 20 के आसपास रखता हूँ, ये जो ऑप्शन 20 के आसपास रखता हूँ मैं इसको, तो मैं यहाँ पर 20 के आसपास रख दिया। उसके बाद इसको 100 के ऊपर रखना है, तो मैं इसको 130 कर देता हूँ, इसको 30 के आसपास मैं रखता हूँ इसको, ठीक है। तो रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स कितना चेंज हो चुका है और कितना यहाँ पर कलरफुल लग रहा है, आप इधर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो को काट करने चाहते हो, जहाँ पर आपने हेडशॉट मारा उसको आप काट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर एक ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर मैं यहाँ पर हेडशॉट लगाया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक दोस्तों हेडशॉट लगाया, आप देख सकते हो। तो इसको मैं लेना चाहता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना है, आगे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पर कांचे के एक ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद इस साइड आपको कट करना है, आपको क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वाली पोर्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मैं हेडशॉट मारने के बाद यहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से इसको क्लिक करता हूँ। करने के बाद फिर से मैं क्लिक करूँगा, कांची के ऊपर क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये एक दोस्तों क्लिप यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने हेडशॉट मारा तो वो चीज़ मैं यहाँ पर गाइस कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक हेडशॉट लगा, फिर से मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर से कांची के ऊपर क्लिक करता हूँ, ट्रिम टू लेफ्ट, उसके बाद फिर से जहाँ पर हेडशॉट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पर से फिर से मैं दोस्तों इसको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यही करना है, मैं 2-3 ये चीज़ें कर लेता हूँ, करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं तीनों यहाँ पर क्लिप ले चुका हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इतना छोटा मैंने किया है, तो बड़ा कट तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तीनों यहाँ पर हेडशॉट लगाया, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इफेक्ट देना है, तो यहाँ पर आप इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर गेट मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको इफेक्ट देखने को मिल जाए, इस इफेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ इफेक्ट डाउनलोड किया, आप इधर देख सकते हो। तो मैं इधर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप इधर देख सकते हो। मैं इसको करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर 0.5 करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, मैं स्लो मोशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जाकर आप उस वीडियो को अपने अभी तक नहीं देखा जाकर आप देख सकते हो। देखने के बाद अच्छे तरीके से स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो फ्री फायर का, तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हो चुका है, और दोस्तों आप फनी क्लिप का वीडियो बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप काइन मास्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फनी क्लिप बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कुछ भी एक फ़नी यहाँ पर सीन हुआ है, तो मैं इस तरह से बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक फ़नी सीन हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद YouTube के अंदर आपको ऐसे बहुत सारा फनी क्लिप देखने को मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रोमा की को यहाँ पर ऑन करता हूँ। क्रोमा की को ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद इसको सेव करता हूँ। करने के बाद इसको
एक जगह पर मैं रख देता हूँ, इस कोने में मैं रख देता हूँ। तो रखने के बाद जब दोस्तों इसको मैं प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद ये जो मतलब आदमी है, आप लोग पता है आदमी बहुत पॉपुलर आदमी है, तो यहाँ पर इसने प्ले कर तो करने के बाद देखिए आदमी यहाँ पर हंस रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फ़नी क्लिप भी वीडियो यहाँ पर आप बना सकते हो, बनाने के बाद यूट्यूब के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के अंदर 5 या 6 सॉन्ग बताया था जिसको बेस्ट दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो उस वीडियो को नहीं देखा जाकर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस सॉन्ग को आप डाउनलोड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक सॉन्ग ढूंढने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में इधर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक सॉन्ग दोस्तों मैं इधर इस सॉन्ग को मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ और दोस्तों सॉन्ग यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं काट करने वाला हूँ, यहाँ पर ट्रिम करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट करता हूँ, करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर जब मैं वीडियो को प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और दोस्तों आप वीडियो में वॉइस ओवर करते हो तो इसके लिए आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वीडियो का जो मतलब वॉइस है इसको आपको काम करना चाहिए, जो आपको बैकग्राउंड का मतलब म्यूज़िक है उसको भी काम करना चाहिए और वीडियो का वॉइस भी यहाँ पर साउंड जो उसको भी काम करना चाहिए। तो आपको हमेशा इसको दोस्तों 20 के अंदर रखिए। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, करने के बाद यहाँ पर 20 करने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसको आपको 15-10 करना है, ठीक है 15 कर दीजिए। तो 15 कर देने के बाद यहाँ पर इसको मैं 15 कर देता हूँ, कर देने के बाद यहाँ पर आप वॉइस ओवर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दोनों को भी यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मतलब आपको वॉइस ओवर करते हो तो आपको यहाँ पर दोनों साउंड को आपको काम करना चाहिए। काम करने के बाद वॉइस ओवर करने के बाद आपका वीडियो क्वालिटी बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त आएगा। तो मैं वॉइस ओवर नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं हेडशॉट का वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोनों साउंड को यहाँ पर 100 पे रख दीजिए। 100 पे रखने के बाद यहाँ पर से आप इस तरीके से एडिटिंग कर सकती हो। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, दोस्तों आप गेम प्ले का वीडियो अपलोड करती हो, आपका वीडियो का जो मतलब लेंथ है वो बहुत बड़ा है, 10-12 मिनट का वीडियो है, तो इसके लिए आपको जो बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो दोस्तों 3-4 मिनट का होता है। तो आपको यहाँ पर जब यह म्यूज़िक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है फिर से आपको यहाँ पर से म्यूज़िक को ऐड करना पड़ता है, मगर आपको ऐसा करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको म्यूज़िक को सिलेक्ट करना है, करने के बाद यहाँ पर लूप का ऑप्शन है, लूप का आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है इसको आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपका वीडियो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है म्यूज़िक भी वहाँ पर ख़त्म होगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर म्यूज़िक वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम को भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।